Hey guys, this is CSEM Ashutosh Lada from Jaipur, Rajasthan for you all. Good afternoon to each and everyone. Guys, ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बेसिकली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि CA फाइनल के ओल्ड कोर्स में है या CA इंटर के ओल्ड कोर्स जिसका अगर मैं बोलूँ तो जिसको हम लोग IPCC के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अगर आप लोग ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं, आपके लिए इस वीडियो का कोई यूज नहीं होगा, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये स्पेशली है IPCC एंड CA फाइनल ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनके बहुत से कोर्स थे डाउट्स को लेकर के, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक पूरा प्रॉपरली वीडियो बना दिया जाए सो दैट सभी बच्चों के सभी प्रकार के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इसमें कवर अप करने वाला हूं मैं वो आपको बता दूंगा। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या कह रहा है वीडियो में हम लोग फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला, सर व्हाट इज द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ द ओल्ड कोर्स। जी हाँ, ओल्ड कोर्स का अटेम्प्ट का लास्ट कब है, तो मई जून 2021। मई जून क्यों बोला सर, क्योंकि मई से स्टार्ट हो रहे हैं, जून में कंप्लीट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई मई एंड जून दोनों को कवर किया है। फिर नेक्स्ट आता है सर, व्हाट अबाउट एनी ग्रुप क्लियर इन ओल्ड कोर्स। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट एग्जम्पशन स्कोर इन ओल्ड कोर्स। सर हमने कोई ग्रुप क्लियर किया है ओल्ड कोर्स में तो उसका न्यू कोर्स में अगर हमको कन्वर्जन की जरूरत पड़ी तो उसका क्या होगा, और अगर कोई एग्जम्पशन हमारे को आई है ओल्ड कोर्स में और न्यू कोर्स में उस एग्जम्पशन का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा ये बताइए, प्लस आपकी तरफ से हमारे लिए क्या सजेशन रहेगा वो भी हमें बता दीजिए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपके CA फाइनल के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और उनके पैरेलल सब्जेक्ट न्यू कोर्स में कौन कौन से। जी हाँ, फटाफट देखते हैं। पेपर नंबर वन के अंदर आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये FR है तो न्यू कोर्स में भी FR है। यहां पर आप लोगों के सेकेंड पेपर जो है ओल्ड कोर्स में वो SFM है, न्यू कोर्स में भी SFM है। ओल्ड कोर्स में पहले ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स था, आज भी ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स है। ओल्ड कोर्स में पहले कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज था, अब इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज कर दिया। अब आइए, थोड़ा हाईलाइट आपने क्यों किया है सर इसमें, क्योंकि आमा का जो पेपर था वो अब SCMPE हो गया है। जी हाँ, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसे हम CA फाइनल ओल्ड कोर्स में कोस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, उसका नाम चेंज हो गया है, वो हो गया है SCMPE। जी हाँ, SCMPE के नाम से है और यहां पर आपके एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग से चेंज है ये सब्जेक्ट। फिर देन हमारा पेपर नंबर 6 सेकंड ग्रुप के अंदर CA फाइनल में इसका के नाम से है, यहां पर सर आपने कुछ नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि इनका पैरेलल कोई सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है न्यू कोर्स के अंदर। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका का कोई पैरेलल सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। पेपर नंबर 6 इन न्यू कोर्स के लिए अगर मैं बात करता हूं तो न्यू कोर्स में पेपर नंबर जो 6 है वो इलेक्टिव पेपर है, जो कि आपका ओपन बुक पेपर रहता है, 4 आवर्स का पेपर वहां पर रहता है, जहां पे आपको डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी पेपर इलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पेपर DTL जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स लॉज, देन यहां पर इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया है, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन कर दिया है, इधर इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। यहां पर ये इकलौता ऐसा पेपर है जो आज भी ओल्ड कोर्स एंड न्यू कोर्स, जी हाँ, IDT का पेपर ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों का सेम पेपर आता है, नॉट इवन नंबर मार्किंग कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चन का कौन सा नंबर है वो भी चेंज नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं हम IPCC वालों के लिए। IPCC वालों का ग्रुप 1 के अंदर सबसे पहला जो पेपर रहता है वो है अकाउंटिंग, यहां पर भी न्यू कोर्स में अकाउंटिंग रहेगा। सेकेंड पेपर बिजनेस लॉज एथिक्स एंड कम्युनिकेशन था ओल्ड कोर्स में, जिसका नाम चेंज करके अब कर दिया है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। पॉइंट पे आते हैं सर, आपने इसको हाईलाइट क्यों किया है। जी हाँ, पहले जहां जो पेपर पहले कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ करता था, अब उसको 100 मार्क्स के पेपर को 200 मार्क्स का पेपर कर दिया है और कॉस्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग था उसका सेपरेट पेपर निकाल दिया है, जिसका नाम रखा गया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पेपर नंबर 3 ग्रुप 1 में आता है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ग्रुप 1 से हटा करके ग्रुप 2 में कर दिया है और उसके साथ एक इकोनॉमिक्स का पेपर भी ऐड करके 100 मार्क्स का निकाल दिया है। FM के अंदर आपके 60 मार्क्स की FM रहेगी एंड 40 मार्क्स का इकोनॉमिक का पोर्शन रहेगा। सर इसको आपने इसी के साथ क्यों लिखा, सेकंड ग्रुप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पेपर इसके पैरेलल पेपर हुआ, क्योंकि कोस्ट एंड FM की जगह कोस्ट और FM के दो अलग अलग पेपर बनाए गए। ग्रुप 1 में बात करते हैं, CIPCC ओल्ड कोर्स में टैक्सेशन था, आज भी टैक्सेशन है न्यू कोर्स में। पहले एडवांस अकाउंटिंग था, आज भी एडवांस अकाउंटिंग है। पहले ऑडिटिंग एश्योरेंस था, आज भी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है। पहले ITSM था, इसका नाम चेंज करके अब EISSM कर दिया है, बाकी कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। फिर देन बात करते हैं पेपर नंबर 8 FM एंड ECO की, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं बात करना चाहूंगा CA फाइनल स्टूडेंट्स की केस में कि अगर उनको एग्जम्पशन आती है तो उनका क्या सिनेरियो है, सारी चीजें। देखिए सबसे पहले, आप CA फाइनल ओल्ड कोर्स के हैं और न्यू कोर्स में जाना चाहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं आपका केस नंबर 3 जगह केस फॉल होगा। क्या
या तो आपके आठों के आठों पेपर में से कुछ भी क्लियर नहीं है, जो कि नो एग्जम्पशन नो ग्रुप क्लियर, तो आपको सिंपल है, आपको पूरा का पूरा बोथ ग्रुप आपको देना है नए कोर्स में। लेकिन आपका न्यू ओल्ड कोर्स में ग्रुप वन क्लियर हो सकता है, ग्रुप टू भी क्लियर हो सकता है। अगर आपका ग्रुप वन क्लियर है तो आपको न्यू कोर्स में ग्रुप टू देना पड़ेगा, अगर आपका ओल्ड कोर्स में ग्रुप टू क्लियर है तो आपको न्यू कोर्स में फर्स्ट ग्रुप देना पड़ेगा। दोनों पोर्शन क्लियर? अब सर पेपर की एग्जम्पशन के बारे में बताइए कि अगर हमारे को पेपर में एग्जम्पशन आती है तो, अगर आपको पेपर में एग्जम्पशन आती है तो आपका पैरेलल पेपर एग्जम्प्ट हो जाएगा। पैरेलल पेपर एग्जम्प्ट का मतलब FR की जगह FR exempt, SFM की जगह SFM exempt, auditing की जगह auditing exempt, law की जगह law exempt, advanced management accounting की जगह SCM PE exempt, लेकिन लेकिन इसका का कोई parallel paper new course में available नहीं है elective paper के लिए। तो यदि आपकी exemption आई हुई है और तीन attempt तक की जो validity है वो अभी भी बाकी है new course के बाद भी, तो guys मैं आपको बता देता हूं कि इसका have no parallel subject, इसका का कोई parallel subject नहीं है। So, no use of इसका exemption in new course. तो इसका की exemption का new course में किसी प्रकार का कोई benefit नहीं है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए क्या suggestion रहेगा CA final वालों के लिए कि no need to go for इसका exemption। यदि आप लोग मई exam के अंदर इसका की exemption की preparation करके जा रहे हैं तो इसका की preparation आप एक ही तरीके से कीजिएगा कि जब आपका पूरा का पूरा second group आप pass करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये मेहनत करेंगे तो बेटर है। बाकी अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं हम केवल सेकंड ग्रुप में मैं केवल इसका देने वाला हूं तो ऐसा मत कीजिएगा। केवल इसका देने से आपका ग्रुप अगर रह गया और इसका एग्जम्प्ट हो गया तो इसका की एग्जम्पशन लैप्स हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सी चीज है, उसका कोई पैरेलल पेपर न्यू कोर्स में नहीं है। तो सीए फाइनल वालों आपके लिए वीडियो यहीं समाप्त होता है, आप लोग चाहें तो इस वीडियो को यहीं बंद कर सकते हैं। आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको कोई किसी प्रकार का कोई डाउट रहा तो, और मेरी तरफ से ये जो वीडियो है ये आपके लिए अगर बेनिफिशियल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा। देन बात करते हैं आईपीसीसी का जो इंटर में जा रहा है, अगेन कोई ग्रुप पास आउट नहीं है, कोई एग्जम्पशन नहीं है, तो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं होगी, न्यू कोर्स में पूरा का पूरा देना पड़ेगा। अब आते हैं पॉइंट, अगर आपका कोई सा भी ग्रुप पास है, अगर आपका फर्स्ट ग्रुप पास है तो फर्स्ट ग्रुप पास है इसका मतलब आपने कोस्टिंग एंड एफएम पास किया है, फर्स्ट ग्रुप पास है तो आपको सीए इंटर का न्यू कोर्स के अंदर सेकंड ग्रुप देना है। लेकिन क्योंकि आपने ग्रुप वन के अंदर कोस्टिंग और एफएम पढ़ के आए हैं और वो पास करके आए हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपको एफएम का पेपर वापस देने की जरूरत नहीं है, तो ग्रुप टू आपको वापस देने की जरूरत होगी। लेकिन नो नीड ऑफ एफएम एंड इको, आपका इको अपने आप ही एग्जम्प्ट हो जाएगा तो आपको एफएम और इको को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल तीन पेपर देने पड़ेंगे सीए इंटर के न्यू कोर्स में भी यदि आपका ग्रुप वन पास आउट है तो। यदि आपका ग्रुप टू पास आउट है, ग्रुप टू ओल्ड कोर्स में जिसमें हमने एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड आईटीएसएम ये तीन पेपर किए हैं, तो यहां पर बोनस की जैसे फायदा है कि आपको ग्रुप वन देने हैं केवल, और क्योंकि ग्रुप वन के अंदर एफएम और इको नहीं है तो आपका अपने आप एफएम और इको एग्जम्प्ट हो जाएगा। जी हाँ, एफएम और इको अपने आप एग्जम्प्ट हो जाएगा, चाहे आपने एफएम पढ़ा चाहे नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि आपने ग्रुप टू क्लियर किया है तो आपको ग्रुप टू न्यू कोर्स में देने की जरूरत नहीं होगी, तो ग्रुप टू आपको न्यू कोर्स में देने की जरूरत नहीं है तो अकॉर्डिंगली आपको केवल ग्रुप वन देना है, और ग्रुप वन के अंदर एफएम है ही नहीं, केवल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो आपको वो देना है। और अगर आपके किसी पेपर में एग्जम्पशन आ जाती है तो आपका पैरेलल पेपर एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब आपको मेरी तरफ से क्या राय है, तो देखिए आपको यही समझ में आ रहा है कि आपका कोई सा भी एक भी ग्रुप पास आउट अगर आप करते हैं तो आपका एफएम और इको आपका सो रहा है। तो मेरी तरफ से एडवाइस यह है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग, जी हां, अगर आप लोग किसी पेपर में एग्जम्पशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कीजिएगा एफएम में, कोस्टिंग एंड एफएम के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोस्टिंग और एफएम अगर आपने एग्जम्प्ट करा लिया, कोस्टिंग और एफएम ओल्ड कोर्स में एग्जम्प्ट करा लिया, तो आपके न्यू कोर्स में कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एफएम इको दोनों पेपर एग्जम्प्ट हो जाएंगे। जी हां, तो आपके 100 नंबर के कारण से आपके 200 नंबर एग्जम्प्ट हो जाएंगे यदि आप लोग केवल एग्जम्पशन के लिए जा रहे हैं तो। और यदि आप लोग ग्रुप पास करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, आपका अगर एक भी ग्रुप पास हो जाता है तो उसमें मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सेकंड ग्रुप पास आउट करें, क्योंकि सेकंड ग्रुप में केवल तीन पेपर हैं और उन तीन पेपर के कारण से आपका एफएम इको भी स्वतः ही एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो तीन पेपर पास करते ही चारों पेपर आपके एग्जम्प्ट हो जाएंगे और आपको सीए इंटर के अंदर केवल और केवल फर्स्ट ग्रुप के ही चार पेपर देने की जरूरत है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ये आज के लिए वीडियो में था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो गाइज वीडियो को थम्स अप देना ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोगों का प्यार जरूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। सीएसएम आशुतोष लाटा वाज विद यू, सीएसएम आशुतोष लाटा इज विद यू, एंड सीएसएम आशुतोष लाटा विल ऑलवेज रिमेन विद यू। ओके गाइज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर द लव, बाय बाय।